और दोस्तों अंत में बात करते हैं पारिवारिक राशिफल की। कुंडली में बृहस्पति के साथ बुध का होना परिवार के लिए अच्छा है। जो अविवाहित हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा। कुंडली में बुध और गुरु का एक साथ होना विवाह का योग बना रहा है। परिवार में विस्तार भी हो सकता है, एक नए सदस्य को परिवार में शामिल कर सकते हैं। आप परिवार का प्रेम प्रसंग में समर्थन पाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र लाभ स्थान में विराजमान है। ये भी आपकी रोमांटिक लाइफ को खुशनुमा बनाएगा। हो सकता है आपके प्रेम विवाह को आपके परिवार की मंजूरी मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा 24 जनवरी को शनि का परिवर्तन आपकी राशि में यानी कि कर्म भाव से आय के स्थान में हो रहा है, जो आय के लिए तो ठीक है लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। सेहत के वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप इस समय कष्ट में हो सकते हैं, जिससे आपके परिवार में तनाव भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों को तकलीफ हो सकती है, परिवार में परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। 30 मार्च को बृहस्पति का परिवर्तन कर्म भाव से लाभ स्थान में होगा। लंबे समय से किसी रोग से परेशान चल रहे हैं तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। परिवार में एक बार फिर से खुशी आएगी। मई के महीने में आपको अपना तथा परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 11 मई को शनि वक्री होंगे, जिसका असर आपके किसी परिजन पर पड़ सकता है। 14 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे, जिसके बाद गुरु का शुभ प्रभाव मिलना शुरू होगा। इस समय आपको संतान पक्ष से भी शुभ फल मिल सकता है। सितंबर महीने में भाग्य स्थान में केतु आ रहे हैं। परिवार जनों के अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। घर व परिवार का वातावरण थोड़ा धार्मिक होगा। सुख स्थान में राहु विराजमान है, जिसके कारण कुंडली में आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पारिवारिक राशिफल कहता है कि ये साल आपका आनंदमय रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।